वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स जेम्स। तो स्वेडिश लीग का मैच हो रहा है हेल्मस्टेड वर्सेस गेस के बीच, जो कि खेला जाएगा 9 बजे। और गाइज ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो हेल्मस्टेड एंड गेस दोनों टीम स्वेडिश लीग की बहुत ज़्यादा डिसेंट टीम्स हैं। इन दोनों टीम्स के बीच जब मेन लीग का जब मैच होता था तो वो 2020 में होता था, मतलब 20 के नियरेस्ट 20s में। तो दूसरा क्या है कि उसके बाद इनका एक मैच हुआ था, पता नहीं किसी अनदर लीग में, स्वीडन कप के अंदर शायद, तो जिसमें ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ी थी। तो मतलब ओवरऑल लॉन्ग टाइम के ब्रेक के बाद मैचेस हुए इनके, लेकिन अब रेगुलर होंगे बिकॉज ये दोनों अब टीम एक ही लीग में है। क्योंकि होता रहता है कभी डिवीज़न 1 डिवीज़न 2, देखो हार जीत चलती रहती है हर टीम की। टॉप 15 से अगर टीम बाहर तो अगले सीज़न डिवीज़न 2 में, अगर जो टीम डिवीज़न 2 में टॉप 5 में आएगी वो सीधा आएगी स्वीडिश लीग में। मतलब समझ रहे हो ना, हर लीग में होता है, हर लीग में, भले वो ISL लीग हो, प्रीमियर लीग हो, कोई भी फुटबॉल लीग में हर बार टीम्स को जगह मिलती है एज अ क्वालिफायर्स। तो आगे चलते हैं। तो देखिए मैं ना टीम बनाने, मतलब थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ बात करूँगा। ऐसा है कि देखिए HLM अच्छी टीम है, HLM लास्ट सीजन भी ग्रेट थी, लेकिन ऐसा है कि HLM अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूँ तो वीक है। करंट फॉर्म ऐसा है कि कभी 2 गोल, कभी 1 भी गोल नहीं, कभी नील। 10 मैच खेल रहे हैं तो 4 हार रहे हैं, 2 जीत रहे हैं, फिर 4 हार रहे हैं, समझ रहे हो। करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, जबकि GS की करंट फॉर्म अच्छी है। तो मैं हिस्ट्री भूल के करंट फॉर्म पे नज़र डालूंगा, जिसमें से मैं सबसे पहले अपनी टीम में जिस प्लेयर को मैं लूँगा वो है मेरा एन मोहम्मद, क्योंकि मैं इसको ग्रैनेट की जगह ले रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे भाई तू दोनों को क्यों नहीं ले रहा, तो इसका इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मेरा रीज़न है, पहले तो इनका एक प्लेयर जिसका नाम है गुस्टेव, ठीक है। दूसरा मेरा है AL हॉल्म, मैं इन दोनों को देखो ज़रूर लेने वाला हूँ, भले फिर मेरा ग्रैनेट छूटता है छूटे। कूपर का भी पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कूपर खेलेगा कि नहीं, क्योंकि कूपर के बारे में ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं है। टीम भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो ठीक है मैंने इसको देखा परखा, पर मैं अभी थोड़ा टाइम लूँगा। एंड अगर आगे से अगर बात करूँ तो इनकी टीम में ना और आपको प्लेयर मिलेंगे। इनका एक प्लेयर था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी एनालाइज करके आया हूँ यार, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, 2 मिनट गाइस। क्योंकि यहाँ ना अलेक्जेंडर इनका एक मेन कैप्टन ऑप्शन, आई थिंक वो कूपर तो नहीं, क्योंकि मेरे को 2 मिनट, मेरे को लैपटॉप में देखने दीजिए 2 मिनट। हाँ तो गाइस मैंने चेक किया है, वो प्लेयर है जे लव करके है, जिसमें आपने देखिए डब्ल्यू मिलोविक को तो लेना है, और इब्राहिम मत लीजिए क्योंकि इब्राहिम हो गए, बाकी प्लेयर जितने ज़्यादा वो नहीं है, आपको नहीं जिता सकते। सो यू हैव टू टेक जे लिंडबर्ग। और जो मैं कह रहा हूँ ना जे लव, आई थिंक ना जे लव उसका पूरा नाम लिखा नहीं, मेरे हिसाब से जे लव ना कूपर ही है। मतलब मैंने अभी पूरा एनालाइज करके देखा तो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई 2 ही खेलें, कूपर, AL हॉलमस्ट्रॉन्ग और जे लैंडबर्ग, लैंड रन में से हो सकता है कोई 2 ही खेलें। तो अभी आप ना कूपर को कंफर्म कीजिए, मैंने गलती से छोड़ दिया था, क्योंकि जब मैं टीम भी प्रिपेयर कर रहा था अपनी सेकंड आईडी में तो भी मेरे से शायद छूट गया होगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मिस्टेक करता नहीं। चलो अच्छी बात है, मैच में पकड़ में आ गई गलती। एंड बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो यहाँ पर आप यू ऑल नो कि यहाँ पर इनकी टीम में 2 वी ग्रैनेट हैं, ये भी बड़ा से आपा है भाई, विक्टर ग्रैनेट वहाँ पर है, और यहाँ पर दूसरा वी ग्रैनेट है जिसका नाम है विलियम ग्रैनेट, लेकिन इनका मेन यही है, ठीक है समझ रहे हो। तो आपने मिडफील्डिंग में नहीं लेना, आपने लेना है ए फ्योत को, उसके बाद स्वैनबर्ग की जगह पर आपने लेना है जी इजोल्फसन, क्योंकि नाम थोड़े अलग हैं, स्वीडन नाम है तो गलती होगी। एंड यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम डिफेंडिंग की, देन यू हैव टू टेक थ्री डिफेंडर्स ऑफ GS, जिसमें नॉरन फ्रेच तो कंफर्म है, उसके बाद लोग यहाँ पर बदलेंगे, लेकिन आपने चुपचाप वेंडिन के ऊपर रिस्क लेना है। एंड गोलकीपिंग सेक्शन में रॉनिंग बहुत खतरनाक है, रॉनिंग का गोल सेविंग रेशियो लेवल का है भाई, बड़े लेवल का। एंड बात करें यहाँ पर कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा कूपर, मैंने गलती से इसे छोड़ दिया था, बट ये मेरा कैप्टन रहेगा क्योंकि ये जे लॉ भी है। मेरे को ना ये नाम बदलते रहते हैं यार, इनको ना लाइनअप्स में नाम उल्टे सीधे कभी उधर ये वो, तो गलती होती है। देखो मेरे से गलती हो गई, हो सकता है आपसे हो जाती, लेकिन अच्छी बात है पकड़ में आ गई। वाइस कैप्टन आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन द मेन ऑप्शन वॉज जे मिलोविक। तो ये मेरी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।